दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग के शार्प शूटर प्रदीप सिंह को दिल्ली के रोहिणी इलाके से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, स्पेशल सेल ने प्रदीप सिंह के पास से अत्याधुनिक हथियारों के साथ ही जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस को इस शार्प शूटर की काफी दिनों से तलाश थी। शार्प शूटर प्रदीप सिंह पर अपहरण, लूट और हत्या जैसे तमाम मामले दर्ज हैं। प्रदीप की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रदीप सिंह से पूछताछ कर रही है। प्रदीप लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास गुर्गों में से एक है। इसके जरिए पुलिस की और बहुत सारी गुर्गों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। बिश्नोई का गैंग पुलिस की ही हिट लिस्ट में शुमार है। लॉरेंस बिश्नोई देश के टॉप गैंगस्टरों में से एक है, जो कई बड़ी वारदातों में शामिल है। देश भर में इस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। बताया जाता है कि इसके गैंग में करीब 600 से भी ज्यादा शार्प शूटर शामिल है, जिनमें से एक प्रदीप सिंह भी है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई काफी समय से जेल में बंद है। जेल के अंदर से ही वो कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है। खासतौर पर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां उसके निशाने पर हैं। पिछले दिनों ही इस गैंग ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी दी थी, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके साथ ही इसके निशाने पर कुछ पंजाबी सिंगर भी हैं।